आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपको मैं जो बताने जा रही हूं वह है सोलो में ट्रांजिशन। सोलो नाटक आप करते हैं या कोई भी नाटक करते हैं, ग्रुप नाटक करने में क्या होता है कि आमतौर पर हम जितने हमारे चरित्र होते हैं, जितने कैरेक्टर होते हैं, उतने कैरेक्टर्स को उतने कैरेक्टर्स के लिए उतने एक्टर्स होते हैं। सोलो में आपके आपका आपकी कहानी होगी, उस कहानी में एक पात्र हो या 10 पात्र हो, सभी के लिए आपको ट्रांजिशन आपको करना है। एक पात्र भी अगर है, एक ही पात्र है, तो उसके डिफरेंट मूड्स होंगे, उसके उस मूड्स के हिसाब से उसकी संवाद अदायगी होगी, उस मूड्स के हिसाब से उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, बॉडी एक्सप्रेशंस होंगे, फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, उसकी चाल होगी, तमाम चीज़ें होंगी। अब उन तमाम चीज़ों के लिए आपको वो ट्रांजिशन, जिसे हम कहते हैं कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना, एक भाव से दूसरे भाव में जाना, एक संवाद से दूसरे संवाद में जाना, एक पात्र से दूसरे पात्र में जाना, एक चरित्र से दूसरे चरित्र में जाना, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना, ये तमाम चीज़ें हमारे इस ट्रांजिशन के तहत आती हैं। अब हम इसमें किस तरीके से अपने आप को ट्रांजिट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इसके लिए निरंतर अभ्यास करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये अभ्यास ही हमें हर चीज़ को लेकर के हमें एक्सपर्ट बनाता है। एक्सपर्ट तो खैर मैं अपने आप को क्या कहूँगी, मैं अगर जो थोड़ा बहुत भी जानती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं आप तक शेयर करूँ, साझा करूँ। तो सोलो में जब हम उस ट्रांजिशन की बात करते हैं, तो ट्रांजिशन मूड का होता है, ट्रांजिशन भाषा का होता है, ट्रांजिशन भाव का होता है, ट्रांजिशन आवाज़ का होता है, ट्रांजिशन एक्सप्रेशंस का होता है, ट्रांजिशन बॉडी लैंग्वेज का होता है, और उस तरीके से करके हम सभी एक चरित्र से दूसरे चरित्र में, एक स्थिति से दूसरे स्थिति में हम पहुंचते हैं। अब मैं आपको अपनी ही चीज़ों के उदाहरण से मैं आपको बताऊं, क्योंकि ऐसे थिएटर बोल करके या भाषण देने की चीज़ नहीं है। मैं एक घंटे तक भाषण देती रह जाऊंगी, समझ में कोई मुझे भी देगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं कहूंगी कि सर या मैम जरा बता करके समझाइए। मैं भी आपको बता करके समझाती हूँ। मैं अपना एक नाटक कर रही थी, मैं कृष्णा कृष्ण की, उसमें कृष्ण और द्रौपदी का संवाद है। द्रौपदी उस समय का दृश्य है जब द्रौपदी का ब्याह हो गया है और पांचों भाई उसे लेकर के जब अपने घर पहुंचते हैं, और कुंती युधिष्ठिर जब कुंती से कहते हैं कि माँ आज हम भिक्षा लेकर आए हैं, और कुंती जब कहती हैं कि आप सभी भाई बराबर बराबर आपस में बांट लो, और उस बात से आहत और उस बात से रुष्ट, उस बात से दुखी, उस बात से दग्ध एक स्त्री कि उसे पांच पुरुषों के बीच बांट दिया जाए बगैर उसकी इजाजत के, तो वैसी स्थिति में कृष्णा है यानी द्रौपदी है, और वह कृष्ण से, क्योंकि कृष्ण ने ही उसे कहा था कि तुम्हें धर्म के कार्य में लगना है, मेरी तरह जैसे मैं धर्म के कार्य में वैसे तुम्हें लगना है, तो वो कृष्ण से अपनी शिकायत कर रही है, और फिर कृष्ण उसे कैसे जवाब देते हैं। पांच पांच पुरुषों के द्वारा उपयोग, कृष्ण कृष्ण आप आए हैं ना धर्म की रक्षा करने के लिए, तो आप करें ना धर्म की रक्षा, मुझे क्यों इसमें सम्मिलित कर लिया कृष्ण। कृष्णा मेरी दोस्त मित्र, आवेश में ना आओ, तुम तो मेरी सखा हो,
मेरी बात ध्यान देकर सुनो कृष्ण। अब ये कृष्णा का आक्रोश और उसके आक्रोश को आप तो जानते हैं कि कृष्ण मनमोहनी मुरली बजा करके सबके क्रोध को शांत कर देते हैं, तो वो उनका मुरली की तरफ आना, द्रौपदी के आक्रोश को धीरे 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 बदलना। अब ये जो हमारा ये ट्रांजिशन है, ये यहाँ ऐसे बदलना, उसके लिए आमतौर पर होता है कि जब सोलो लोग करते हैं तो अच्छा यहाँ द्रौपदी बोल रही है, अब यहाँ आकर के कृष्ण बोलेंगे, नहीं, ये जब आप करेंगे तो आप कैरेक्टर से निकल जाएंगे, आप नाटक से निकल जाएंगे, आप फिर एक्टर रह जाएंगे। तो आपको अगर ये है और इसके साथ दो चरित्र से बात करनी है आपको, तो उन सारे क्यों और अगर जैसे अब दूसरा मैं आपको एक दृश्य बताती हूँ कि मेरा और दूसरा नाटक है भिखारण। उस भिखारण में दो ही कैरेक्टर हैं, एक सेठ है, धन्ना सेठ है, और दूसरी भिखारण है जो नेत्रहीन है। अब वो नेत्रहीन भिखारण जो है वो अपने कुछ पैसे जमा करने के लिए वो गई है। अब वो गई है तो उनके साथ बात करने जा रही है, बात कर रही है, अपने पैसे दे रही है, तो पैसे देते हुए वो अब सेठ के पास जा रही है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उसने साड़ी पहनी हुई, जो भी साड़ी पहनी हुई, अब वो अपने से किसी बड़े के पास पहुंचती है। तो हमारे रीति रिवाज में ये होता है कि जैसे ही हम बड़े के पास पहुंचते हैं तो हम आदर से या तो सर पे पल्ला ले लेते हैं या फिर हम उसे ऐसे कर लेते हैं। ये उनके प्रति अपना आदर है। तो जा रही है, अच्छा अब आप देखिएगा कि वो नेत्रहीन है, शेठ जी, शेठ जी हम सुना आपका आपका ध्यान पूजा पाठ में अनेक रहता है, आप सारा सारा दिन पूजा पाठ करते हैं, बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं आप। काम की बात बोल बुढ़िया, मेरे पास समय नहीं है। शेठ जी आप तो बहुत बड़ा लोग, हम तो भिखारिन आंधी ई कुछ पैसा भीख मांग मांग के जमा किया है अपना बच्चा के लिए, उसका पढ़ाई के लिए, उसका बीए के लिए, आप अपना पास रख लीजिए, हमारा टूटा फूटा घर उसमें कोई चोरी किया तो। तुम्हारे पास इतने पैसे हो गए? एक अंधी भिखारिन के पास इतने पैसे कि वो सेठ के पास जमा करने आ जाए? तो ये आपका ट्रांजिशन है जिसमें आप बात कर रहे हैं एक चरित्र, उस चरित्र की अपनी बॉडी लैंग्वेज है, उसकी फिजिकल कंडीशन है, उसकी सिचुएशन है, वो किस लिए वो आया हुआ है, क्या वो कहना चाहता है, उसका अपना बैकग्राउंड क्या है, वो किससे बात कर रहा है, जिससे वो बात कर रहा है वो उससे बड़ा है, छोटा है, हम समवयस्क है, क्या है। यहाँ बिल्कुल दो क्लास है, एक भिखारिन है, अंधी भिखारिन है, और एक सेठ है, लेकिन दोनों के पास जो है मतलब क्या है कि अपने पैसे जमा करने आई है, लेकिन फिर भी चूंकि वो बहुत बड़ा है तो वो उसके साथ वो ग्रो अप से नहीं बोल सकती है कि हाँ लीजिए मेरे पैसे रख लीजिए और मुझे रसीद दे दीजिए, नहीं। तो और अब सेठ का अपना गुरूर है, उसे लगता है अच्छा एक भिखारिन के पास इतने पैसे आ गए कि वो मेरे पास पैसे रखने आ गए, ये तमाम चीजें जो है। तो कोई भी चीज जब हम करते हैं तो ये ट्रांजिशन पर हम ध्यान जब देंगे तो हमारा मूवमेंट बहुत सहज होगा, बहुत ही स्मूथ होगा, और उस स्मूथ उसमें आपको करने में मजा आएगा। क्योंकि अब जिसमें एक मेरा नाटक था एक नई मेनिका, उसमें
वो जब जाती है, मेनका को बुलाया जाता है, इंद्र इंद्र अपने दरबार में बुलाते हैं। अब वो मेनका नर्तकी है, आप तो जानते हैं मेनका के बारे में, तो वो जब करती है तो वो किस तरीके से जाती है और उस तरह से, और कैसे वो बात करती है, वो ये तो यहाँ मैंने वो किया था। यहाँ जैसे मैंने आपसे पिछली बार कहा था कि नृत्य कैसे किया, वह नृत्य की जानकारी होनी चाहिए, मैं नर्तकी नहीं हूं, लेकिन जो थोड़ा सीखा था। तो आपको कैसे किस तरीके से करना है, ये करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो नाटक में ट्रांजिशन, और ख़ास तौर से सोलो में ट्रांजिशन, क्योंकि आप अकेले कलाकार हैं, एक्टर हैं जो मंच पर है, और आपको सभी के चरित्र निभाने हैं, तो कितना आप स्मूथ निभाएंगे, कितना आप करेंगे, जब आप ट्रांजिशन को अच्छी तरह से समझ लेंगे। अच्छी तरह से समझना है, और अगर आपकी इच्छा है तो हमारा सोलो ऑनलाइन सोलो परफॉर्मेंस क्लास चलती है, आप चाहें तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये तमाम छोटी छोटी बारीकियाँ जो हैं उसे आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, हर रोज आप आते रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए। और अगर आपको लगता है कि मैं किसी और विषय पर बात कर सकती हूँ तो आप ज़रूर हमें लिखें, अगर मेरी कैपेसिटी में हुआ तो मैं उस पर ज़रूर बात करूँगी। तब तक के लिए नमस्ते, शब खैर, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं जी।